हेलो यू गाइस, गुड मॉर्निंग. आज है डे 17, आई गेस. आई डोंट रिमेम्बर, बट एनीवे मैं सुबह उठ गई हूँ एंड आई एम हियर विद माय बॉटल ऑफ वाटर. आई विल ड्रिंक 1 लीटर ऑफ वाटर. कल रात को पीनट सोक करना भूल गए, इसीलिए आज सुबह मैं नॉर्मल बादाम खा रही हूँ. इट्स नॉट सोक्ड बादाम और एनीथिंग. 4 लिया है मैंने. पहले पानी पीऊंगी एंड देन आई विल ईट 4 बादाम एंड आई विल गेट स्टार्टेड विद द कुकिंग एंड आई विल सी यू ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट टाइम. हेलो यू गाइस, इट्स नाउ 10 o'clock और मैं आ गई हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए. आज है इंस्टेंट डोसा, मतलब रवा डोसा जो बनता है, नॉट लाइक द जाले जाले वाला रवा डोसा, नॉर्मल रेगुलर रवा डोसा है ये, जो जिसका मतलब पैटर्न नॉर्मल रवा डोसा जैसे होता है. एनीवे दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. उसके साथ है कोकोनट चटनी. आई हैव टेकन 2 डोसास, नॉर्मल मीडियम साइज के है क्योंकि इडली भी 2 लेती हूँ तो डोसा भी 2 लेती हूँ. आई विल हैव दिस एंड आई विल सी यू ड्यूरिंग लंच टाइम. इट्स करेंटली अबाउट 1:30 PM एग्जैक्टली एंड आई एम हियर टू हैव माय लंच. आरटी एज इन रिपीट टेलीकास्ट है. जो कल की सब्जी थी जिसका डिटेल्स काफी ज्यादा दे दिया था मैंने, वो ही है. साथ में 2 फुलका एंड लिटिल ब्रफ क्यूकम्बर. ये सब्जी इसलिए आरटी है बिकॉज किसी ने खाया नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है. इट्स बिकॉज जैसे अपनी दाल मखनी और कड़ी बनाए दिन से ज्यादा भी, आई मीन सेम डे से ज्यादा नेक्स्ट डे और ज्यादा टेस्टी लगता है. इसका भी कुछ सीन वैसा ही होता है, इसलिए जब भी बनाते हैं थोड़ा ज्यादा बनाते हैं ताकि नेक्स्ट डे के लिए खाने को मिले. सो आई विल हैव दिस एंड आई विल सी यू ड्यूरिंग इवनिंग स्नैक. इट्स करेंटली 5:30 PM एंड मैं आ गई हूँ कॉफी लेके. ये ग्रीन कलर मग में जो कम है वो मेरा है, ज्यादा है जो मेरी सिस्टर का है. ऑब्वियसली मैं बिस्किट नहीं खाऊंगी. देर आर 2 ऑरेंजेस वहां पे, मतलब 2 राउंड राउंड वाले ऑरेंजेस को छील के रखा है. उसमें से मैं सिर्फ आधा खाऊंगी, आधा मेरी सिस्टर और अमायरा खाएगी. सो या आई विल हैव दिस एंड आई विल सी यू ड्यूरिंग डिनर टाइम. सॉरी जिन टाइम इज करेंटली 8:30 PM और मैं आ गई हूँ डिनर करने के लिए. आज है थोड़ा सा राइस. दोपहर में व्हाइट राइस बनाया था, उसको थोड़ा ऐसे फ्राइड राइस टाइप कर लिया बीन्स वगैरह डाल के. मतलब इट इज मोर देन हाफ सब्जी एंड लेस देन हाफ राइस, इफ यू नो व्हाट आई मीन. सो सब्जी एज यूजुअल रिपीट टेलीकास्ट. सो या आई विल हैव दिस एंड आई विल सी यू इन सम टाइम. हे गाइस, इट्स नाउ टाइम फॉर योर क्वेश्चंस. आई थिंक आज सिर्फ एक ही क्वेश्चन है. दीक्षा ने पूछा है, लास्ट ईयर आई ट्राइड योर कीटो कॉफी, इट हेल्प मी इन रिड्यूसिंग माई वेट बट माई थायराइड लेवल्स रीच्ड वेरी हाई, सो नाउ आई एम कन्फ्यूज. फर्स्ट ऑफ ऑल, कीटो कॉफी इज नॉट एट ऑल एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग थायराइड लेवल्स, तो उसकी वजह से तो कुछ हो नहीं रहा है. आई एम वेरी ग्लैड कि आपने कीटो कॉफी ट्राई किया जिसकी वजह से आपका वेट लॉस हुआ है. फॉर पीपल हु डोंट नो वॉट कीटो कॉफी इज, इट्स बेसिकली ब्लैक कॉफी. उसके अंदर या तो आप थोड़ा सा घी डाल के उसको मिक्स करके पी सकते हो, या फिर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाल के मिक्स करके पी सकते हो. गुड फैट जो भी होता है वो थोड़ा डाल के आपको पीना है. उससे वेट रिडक्शन में काफ़ी हेल्प होता है. बट या लाइक आई सेड, उससे थायराइड लेवल्स में कोई भी ऊपर नीचे होने का चांसेस नहीं है बिकॉज इट डजेंट अफेक्ट थायराइड एट ऑल. देर कैन बी मेनी रीजन्स फॉर योर थायराइड लेवल टू इंक्रीज, बी इट विद रिस्पेक्ट टू योर मेडिकेशन और द काइंड ऑफ फूड चॉइसेस दैट यू आर मेकिंग. सो विदाउट नोइंग योर मेडिकल हिस्ट्री, आई एम सॉरी दीक्षा, बट आई कांट रियली सजेस्ट एनीथिंग. जस्ट ऐसे रैंडमली नहीं बोल सकते कुछ. तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने डॉक्टर से बात करो विद रिस्पेक्ट टू योर फूड इनटेक, कि किस वजह से थायराइड लेवल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, ट्रिगर पॉइंट्स क्या है, और उसके बेसिस पे आप अपने यू नो लाइफस्टाइल चेंजेस ऑब्वियसली कर सकते हो. एंड मेडिकेशन को भी ऊपर नीचे आप अगर करोगे तो आई थिंक वो बेटर होगा. बट या कीटो कॉफी फॉर श्योर इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट ऑल ऑफ दैट आई कैन अश्योर. So yeah, those were all the questions. I mean, that was all the question for today. बाकी सब ने सिर्फ like कर दिया है. And thank you so much for watching today's video. I will see you all tomorrow. And take care of yourself, toodles.